गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर टू हैबिटेट एंड एडेप्टसन तो हैबिटेट और अडेप्टसन के बारे में हम सीखेंगे सो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी वन एक्टिविटी वन में मैंने आपको प्लांट और एनिमल के डिस्कशन किया था जिसमें डेजर्ट में रहने वाले माउंटेन में रहने वाले फॉरेस्ट में रहने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज पर रहने वाले एनिमल uh, और प्लांट की जानकारी आपको लिखने के लिए मैंने बोला था और मैंने थोड़ी बहुत समझाई भी थी डिड यू फाइंड लार्ज वरायटी इन दम यस वी फाइंड लार्ज वराइटी इन दम उसके अंदर बहुत बड़ी वेरायटी हमको भी पाई जाती है लुक एट वॉट यू है कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर सी टेबल इन दीज टू कॉलम तो यस डेजर्ट में और सी में जो पाए जाने वाले हैं एक दूसरे तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं वट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन तो दो रीजन में उसके आसपास सराउंडिंग मतलब उसके आस पास क्या होता है तो पहले हम पानी वाले की बात करें मतलब कि सी वाले की बात करें तो इन द सी तो समंदर जो होता है उसके अंदर क्या होता है इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर सलाइन वाटर मतलब कि खारा पानी सॉल्टी वाटर सो इन द सी समंदर में प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर उसके अंदर खारे पानी के अंदर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एज डिजॉल्व इन वाटर तो ज़्यादातर उसमें से एयर जो लेते हैं डिजॉल्व इन वाटर तो पानी में जो पिघली हुई जो हवा होते हैं ऑक्सीजन जो होता है वह लेते हैं सो मोस्ट ऑफ दैम यूज द एयर डिज़ोल्व इन वाटर देर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट जबकि डेजर्ट में क्या होता है पानी ही नहीं होता है मतलब पानी बहुत ही कम होता है सो देर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर तो डेजर्ट में पानी बहुत ही कम होता है जबकि समंदर में पानी ही पानी ही होता है सो so दोनों में बहुत डिफरेंट होता है सो इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट तो डेजर्ट में दिन में बहुत ही गर्मी और रात को बहुत ही ठंडी होती है सो द एनिमल्स एंड प्लाट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग द एनिमल्स एंड प्लाट्स ऑफ द डेजर्ट तो डेजर्ट के जो एनिमल और प्लाट्स जो होते हैं वो डेजर्ट साइल पर रहते हैं एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग उसके आस पास से वो एयर ब्रेथ करते हैं मतलब सांस लेते हैं सो द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स तो सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग सी में समंदर में और डेजर्ट में बहुत ही डिफरेंट सराउंडिंग डेजर्ट मतलब जो रण होता है जहाँ पे सूखा होता है मतलब पानी की बहुत ही कमी होती है जैसे राजस्थान का कच्छ का डेजर्ट और राजस्थान का डेजर्ट आपने सुना होगा कच्छनू रण ऐसा आपने सुना होगा सो रण मीन्स डेजर्ट तो द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड रीजन ये दो रीजन में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी तो डेजर और सी के हम ऑर्गेनिजम के बारे में सीखेंगे तो डेजर्ट का एक हम ले गए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैमल सो कैमल डेजर्ट में अच्छे से रह पाता है एंड अ फीस फीस सी में समंदर में अच्छे से रह पाती है तो कैमल को हम डेजर्ट के एक एग्जाम्पल में लेंगे जबकि फीस सी के एग्जाम्पल में लेंगे द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सरवाइव इन डेजर्ट कंडीशन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसको डेजर्ट कंडीशन में रहने के लिए उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स कैमल हैव लॉन्ग लेग्स कैमल के बहुत ही लंबे लेग्स होते हैं विच हेल्प टू कीप देर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड तो कैमल ऊंचा होता है तो सैंड जो गर्म मिट्टी जो होती है डेजर्ट में क्या होती है बहुत ही हीट होती है दिन में सो so, जो हीट होती है जो मिट्टी की उसे दूर रखने के लिए उसके लंबे पैर उसको काम में आते हैं सो इसलिए कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैन सैंड की हीट से उसको दूर रखते हैं द एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन वो बहुत ही कम मात्रा में मूत्र त्याग मतलब यूरिन को थोड़ी ही मात्रा में एक्सक्रेट करते हैं द डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट उनका जो डंग होता है वह सूखा होता है एंड दे डू नॉट स्वेट उनको पसीना नहीं होता है उनको पसीना भी नहीं होता है बहुत ही कम मात्रा में मूत्र त्याग करते हैं मतलब यूरिन होता है द डंग इज ड्राई उसका डंग सूखा होता है सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी सिंस मल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देर बॉडी कैमल बहुत ही कम मात्रा में पानी का त्याग करते हैं दे कैन लीव फॉर मेनी डेज विदाउटर बिना पानी के भी बहुत समय तक बहुत दिन तक वो चल सकते हैं नाउ लेटेस्ट लुक एट डिफरेंट का बारे में देखे समीज आर सोन इन फिगर नाइन पॉइंट थ्री यू कैन सी इन फिगर नाइन पॉइंट थ्री सो नाइन पॉइंट थ्री में आप फीस देख रहे हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की फीस है डिजाइनिंग फीस है कलरफुल फीस है साइज भी छोटी बड़ी है और लेफ्ट साइड आप कैमल्स देख रहे हो जिसके लेग्स बहुत ही लंबे होते हैं सो सुनाओ फीस की बात करेंगे सो लेट अस लुक डिफरेंट काइंड ऑफ फीस सम ऑफ दीज आर सोन इन फिगर नाइन पॉइंट थ्री जो मैंने आपको दिखाया देर आर सो मैनी काइंड ऑफ फीस बहुत तरह की फीस होती है बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट दैट सेप पर आपने देखा सब में कोई सेप में कोई सिमिलरिटी है यस तो ऑल द वंस ऑन हियर द स्ट्रीमलाइन लाइन सेप तो इनका सेप कैसा होता है स्ट्रीम तो स्ट्रीम मतलब आगे से और पीछे से पतला होता है आगे पीछे से उस संकड़ा मतलब पतला होता है और बीच में से चौड़ा होता है मतलब आगे पीछे थिनर होता है बीच में से फैटर होता है हर एक फीस में देखो आगे का मुंह और पीछे का जो हिस्सा उसका पतला है और बीच का पोर्शन जो है उसका चौड़ा है तो ऐसे सेप को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन सेप सो ऑल द ऑल द वंस ऑन हियर है स्ट्रीमलाइन सेप तो हर एक फीस का सेफ सैम होता है स्ट्रीमलाइन सेप दैट वॉर डिस्कड इन चैप्टर एट चैप्टर एट में उसको डिस्कस किया जाएगा द सेफ हेल्थ डैम किया था सॉरी स्ट्रीमलाइन सेप के बारे में चैप्टर एट में डिस्कस किया था द सेफ हेल्थ डैम मूव इन साइड वाटर तो यह सेप की वजह से वो पानी के अंदर इजिली चल सकते हैं फीस है स्लिपरी स्केल्स ऑन देअर बॉडी तो फीस में स्लिपरी स्केल्स मतलब लिप, लिपस जाए ऐसे स्लिपरी मतलब एकदम स्मूथ स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर दी स्केल्स प्रोटेक्ट द फीस उसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है फीस की वो प्रोटेक्ट होती है एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रो वाटर और पानी में वो ईजिली मूविंग कर सकती है वी डिस्कस्ड इन चैप्टर एट चैप्टर एट में इसके बारे में भी आया था दट फीस है फीस में फ्लैट फींस एंड टेल्स उसकी फीस चपटी होती है एंड कुछ भी उसकी छोटी सी पतली होती है दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन तो उसको डायरेक्शन चेंज करने में क्या हेल्पफुल होता है इट्स फींस एंड टेल्स दट हैल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप दर बॉडी बैलेंस इन वाटर देन गील्स प्रेजेंट इन द फीस हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर तो ये फिस के अंदर जो गिल्स होते हैं तो गिल्स प्रेजेंट इन द फिश फिज के अंदर जो प्रेजेंट रहने वाले गिल्स जो होते हैं हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर तो पानी में जो पिघला हुआ जो ऑक्सीजन उनको लेने के लिए उसके गिल्स काम में आते हैं वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फीस हेल्प टू व लिव इन साइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प टू सरवाइव इन अ डेजर्ट तो हमने यहाँ पे फिश के फीचर्स और कैमल के फीचर्स जो देखे जो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया

उसके अंदर कोई चौकस तरह के एक जैसे फीचर्स होते हैं उसकी मदद से दैट हेल्प दैम लिव इन सराउंडिंग उसको आसपास की जगह में वहाँ की जगह में वो रहने लायक बनते हैं मीन्स दैट हेल्प दैम लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड जो ईजीली रह सकते हैं अगर कैमल को बर्फीले इलाके में पहुँचाया जाए तो वो नहीं रह सकता है और बर्फीले इलाके वाले को डेजर्ट में रखा जाए तो वो नहीं रह सकते जिंदा ही नहीं रह सकते क्योंकि उनके ऐसे फीचर्स होते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑन सर्टेन हैबिट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिजम टू लिव नेचरल इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टन सो वॉट इज मीनिंग ऑफ एडेप्टन एग्जाम में आता है अडेप्टेशन के डिफाइन सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सर्टेन हैबिट्स तो कोई सर्टेन चौक्स उसकी आदतों के साथ उसके अंदर जो स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं स्पेसिफिक उसके लक्षण जो होते हैं विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुर नेचुरली तरीके से वो ऐसे लक्षणों के साथ ऐसे फीचर्स के साथ वहाँ पे रह सकता है वह प्लेस पे विच इज कॉल्ड अडेप्टन तो वो उसके अडेप्टन होते हैं अडेप्टन इज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन दर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग अडेप्टन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो अडेप्टन जो होते हैं डिफर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द्लेस ऑफ ड्वेलिंग मतलब जहाँ उनका रहता घर होता है वह अपनी अपने घरों से अलग अलग जगह पे उसके एडेप्टेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म के होते हैं सो दैट इज वाई फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर इसकी वजह से ही फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो फिश मर जाएगी सो दैट इज वाई फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी और कैमल भी पानी में नहीं रह सकता और फीस पानी के बाहर नहीं रह सकती बिकॉज देयर हैबिटेट इज डिफरेंट सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड अ हैबिटेट ऐसा प्लेस जो होता है वेर ऑर्गेनिजम्स लीव इज कॉल्ड हैबिटेट द प्लेस वे ऑर्गेनिजम्स लिव ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इट इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस हैबिटेट का मतलब उनका उनका घर जहाँ पे वो रहते हैं द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड हैबिटेट पे उनको वहाँ पे फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स तो जहाँ पे उनका घर होता है हैबिटेट होते हैं वहाँ पर उनको खाना पानी हवा सेल्टर मतलब रहने की जगह एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिक दूसरी उसकी नीड्स वहाँ पे पूरी होती है सो सेवरल काइंड प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट सेवरल काइंड एनिमल बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं लिव इन द सेम हैबिटेट एक जैसे हैबिटेट में रहते हैं सो द प्लाट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो जमीन पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जमीन के ऊपर रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दे आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल हैबिटेट सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियलस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट कॉस्टल एंड माउंटेन रीजन तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स में देखे तो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी प्लांट्स एनिमल्स है ग्रास लैंड के मतलब ग्रास के मैदान जो है ग्रास लैंड डेजर्ट मतलब की जो रण प्रदेश जो है जहां पर पानी बहुत कम होता है सूखा होता है ऐसी जगह कोस्टल कोस्टल मतलब की समंदर किनारे के जो जगह है माउंटेन मतलब बड़े बड़े पहाड़ों की जो रीजन है वहां के जो हैबिटेड है द ऑल आर कॉल्ड्रियल ऑन द अदर हैंड द हैबिटेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिकबिटेट कहा जाता है लाइक लेक्स रिवर्स एंड ओशन आर सम्पल ऑफ एक्वेटिक तो लेक्स रिवर्स ओसन आर सम एक्साम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स दर आर लार्ज वेरियशन अम्ग टेरिस्ट्रियल हैबिटेस लाइक फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया दर आर लार्ज वेरिएशन अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेरेट्रियल हैबिटेट्स बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है जैसे फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह होता है द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेड आर इट्स बायोटिक कंपोनन्ट तो जो ऑर्गेनिज्म जो है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों लिविंग होते हैं प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम है एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सो इट इज अ कॉल्ड बायोटिक कंपोनन्ट्स सो एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनन्ट्स जबकि द नॉन लिविंग थिंग्स सच इज रॉक्स सॉइल एयर एंड वॉटर रॉक्स मतलब बड़े बड़े पत्थर या छोटे पत्थर सो रॉक्स सॉइल एंड एयर एंड वॉटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट, जबकि जो जिंदा नहीं होते हैं जैसे कि रॉक्स सॉइल एयर एंड वाटर इन हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, सो सनलाइट और हीट भी अबायोटिक कंपोनेंट ही होगी सो वी लुक दैर सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स लेट एस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इन टू यंग प्लांट्स तो इसके बारे में फिर हम आगे एक्टिविटी करके आगे सीखेंगे तो आज यहाँ तक मैंने जो समझाया अच्छे से आपको समझ लेना है ओके थैंक यू